लोग देख रहे हैं हेल्थ सॉल्यूशन टीवी हेल्थ इज वेल। मैं आपके साथ निदा खान और आपका आज का जो हमारा जो प्रोग्राम है वो होगा हमारा टॉपिक के डॉक्टर सनत नान हमारे साथ होंगी जो कि हैं सीईओ और उनसे हम डिस्कस करेंगे न्यू ईयर के हवाले से कि पूरा साल जो 2020-2021 तक किस तरह गुजरा और कौन कौन से वायरल आए, कौन कौन से ये सब चीज़ें आई जिसमें इनको सामना करना पड़ा, हम सबको सामना करना पड़ा और इन्होंने किस तरीके से इस इसको रोका और फाइट की हम सब ने। तो आए इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर सना आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। अरे डॉक्टर सना, आज का जो प्रोग्राम है वो हम लोगों ने इस पर रखकर डिस्कस हम करेंगे कि 2020 और 2021 तक आप हेल्थ सॉल्यूशंस जो जो मतलब काम किए तो किस तरह आप लोगों का ये पूरा साल गुजरा। हेल्थ सॉल्यूशन ऐप, जैसे कि आप सबको पता है कि इसमें हम लोग डोर स्टेप पे सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं और वो फैसिलिटीज़ जो लोगों को हॉस्पिटल तक जाने में जो मुश्किलात पेश आती हैं उन चीज़ों को हमने ईज किया है लोगों की आसानी के लिए घर पे। वो तमाम फैसिलिटीज़ डे बाय डे हम उसमें मज़ीद सेगमेंट ऐड भी कर रहे हैं और अपनी उन सर्विसेज को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि लास्ट ईयर जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ जनवरी फरवरी से, जब फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था कराची में, उस वक्त से लेके अब तक हेल्थ सॉल्यूशन ऐप अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हमने पूरे पाकिस्तान में सर्विसेज दी हैं और डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ इस तरह की अपनी सर्विसेज ऐड ऑन कर रहे होते हैं। लाइक वो पेशेंट्स, सबसे पहले तो ज़ाहिर है पेंडेमिक की अगर हम बात करें तो इस पेंडेमिक में जिस तरह से लोग रिस्ट्रिक्ट हो गए थे, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी मोबिलिटी, हॉस्पिटल विजिट नहीं कर सकते थे, लोगों के अपॉइंटमेंट्स मिस हो रहे थे, तो हमने उन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो सारी फैसिलिटीज़ हेल्थ की सबको घरों में प्रोवाइड की। लाइक कोविड के अगर पेशेंट्स थे तो उनको हमने घरों में आइसोलेट किया जो कि घर में ट्रीटेबल थे माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स के साथ। उनको हमने नर्स से लेके ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसनट्रेटर, आईवी ट्रीटमेंट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये तमाम फैसिलिटीज़ हम घर पे पहुंचा रहे थे। डे बाय डे हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इसमें वो तमाम चीज़ें लाइक जो हमारे वो पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते तो उन लोगों को भी हमने घरों में आइसोलेट किया और घरों में, ताकि हॉस्पिटल जाके वो इतनी क्यू में ना लगें और अल्लाह ना करे उनको कोई और वायरस या कोई और इन्फेक्शन ना लगे, तो इसलिए हमने उनको घरों में रिस्ट्रिक्ट करके ये तमाम फैसिलिटीज़ उनको घरों पे प्रोवाइड की। सही। अच्छा डॉक्टर सनाब, जैसे न्यू ईयर सुनने में आ रहा है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जैसे कि अब देखा है हमने कि ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं रिपोर्ट हो गए, पाकिस्तान में भी रिपोर्ट हुए हैं, कराची में, इस्लामाबाद में, तो लोगों को सबसे पहले तो ये कि जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी हैं, दोनों वैक्सीन की डोज हो चुकी थी कंप्लीट, वो ज़रूर अब बूस्टर वैक्सीन की तरफ जाएं। बूस्टर वैक्सीन गवर्नमेंट सेक्टर पे अच्छे हॉस्पिटल जो हमारे रिनाउंड हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के, उन तमाम सेक्टर्स में अवेलेबल हैं और लोग बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और हॉस्पिटल जाएं और जाके सबसे पहले जो है अपनी ये बूस्टर वैक्सीन लगवाएं, ताकि वो लोग जो इम्यूनिटी वाइज वीक हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो है, जो कैंसर पेशेंट हैं, जो कीमोथेरेपी मेडिसिंस पे हैं, या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या वो पेशेंट जो ऑलरेडी एलर्जिक हैं, एस्मेटिक हैं और उनको ईयरली रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं या चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोन हैं, अल्लाह ना करे दोबारा इन्फेक्शन के लिए, नमोनिया के लिए या कोविड के लिए। तो वो तमाम पेशेंट्स जो हैं बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल ऐप, अगर आप चाहें तो हमारी ऐप के थ्रू भी जो है वैक्सीनेशन एट होम की भी हमारी फैसिलिटी मौजूद है। तो वो डोज, वो वैक्सीन्स जो कि ऑलरेडी वो लोग जो कि फर्स्ट डोज या सेकंड डोज लगवा चुके हैं और या अभी प्लान करें, या अभी तक भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो हम वैक्सीनेशन एट होम की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो अवेलेबल होती है वैक्सीन, वो रिक्वेस्ट जब आती है तो हम उनको घरों पे भी ये फैसिलिटी दे रहे हैं। जी सही। तो ये एज के मुताबिक होता है कि एज कितनी होनी चाहिए बूस्टर के लिए? हाँ, बूस्टर के लिए अब हमने ये देखा है कि पहले उन्होंने कहा था कि 60 अबव या 50 अबव वाले, लेकिन अब अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने कि 30 अबव जो हैं वो लोग भी जाके अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। जी, तो बिल्कुल जो हमारे टीन्स के लिए जो स्टार्ट की थी फाइजर वैक्सीन, वो भी अवेलेबल है, तो वो बच्चे 12 ईयर्स या अबव जिनकी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुई है, वो भी अपनी ज़रूर वैक्सीनेशन दोनों डोजेस कम्प्लीट करवाएं। और अब 30 ईयर्स अबव
के तमाम लोगों को जाके फाइजर वैक्सीन की बूस्टर भी लगवानी चाहिए। सही। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे कुछ लोग अक्सर काफ़ी मैंने देखे हैं जो पेशेंट हैं, काफ़ी सारी बीमारियां हैं, तो वो डर रहे हैं वैक्सीन से, तो कुछ है ऐसा कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं या? साइड इफ़ेक्ट्स देखें अभी तक ऐसे रिपोर्ट नहीं हुए हैं, लेकिन वो लोग जिनको ऑलरेडी जो एनीमिक हैं जी, जिनका हीमोग्लोबिन काउंट लो है, या जिन्हें प्लेटलेट्स कम होने की शिकायत रहती है, जो कि किसी भी एक डिज़ीज़ होती है उसमें भी हो जाते हैं, या कुछ लोगों के फिजियोलॉजिकली ही प्लेटलेट काउंट कम होता है, तो ऐसे तमाम लोग जिन्हें इस बात का डाउट है कि वो ऑलरेडी कोई कीमोथेरेपी मेडिसिन ले चुके हैं, या कोई एनीमिया के लिए ट्रीटमेंट ले चुके हैं, या जिन्हें हीमोग्लोबिन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है ऑन एंड ऑफ ना, तो वो लोग ज़रूर इस वैक्सीन से पहले अपने जो भी उनके हेमाटोलॉजिस्ट हैं या जनरल फिजिशियंस हैं उनसे कांटेक्ट करें और एक बेस लाइन अपना CBC टेस्ट करवा लें, ताकि अगर किसी को ये कन्फ्यूजन है या डाउट है कि इस वैक्सीन के बाद ऐसा ना हो कि कोई क्लॉटिंग की जो चीज़ आई थी कि वो हो जाए, या हमें और कोई इशू हो जाए, तो वो लोग एक अपना CBC करवा सकते हैं, ताकि जिन्हें ये डर है या खौफ है तो वो चीज़ उससे पहले ही हम देखें। सही। अच्छा डॉक्टर, ना जैसे विंटर आ रहा है और ये विंटर का मतलब स्टार्ट हो गया है, तो इसमें बीमारियाँ काफ़ी सारी मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी कि सबसे ज़्यादा क्या डर है विंटर में, कौन सी बीमारी ज़्यादा आती है विंटर में? तो देखें निदा, सबसे पहले कि क्योंकि कोविड की वजह से इस पेंडेमिक ने जैसे पूरी दुनिया में लोगों को इन्वॉल्व किया है जी, तो उसकी वजह से वही बात कि जो एस्थमेटिक पेशेंट थे या जो एलर्जिक पेशेंट थे या जिन्हें फ्रीक्वेंट नमोनिया होता है, तो उन लोगों वो लोग ज़्यादा इम्यून है ना कोई भी इन्फेक्शन कैच करने के लिए, तो उन लोगों को सबसे पहले जो है अगर उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है तो एक फ्लू शॉट आता है, वो फ्लू शॉट ज़रूर एलर्जीज़ के लिए वो लगवा लें। अच्छा। या एक नीमो वैक्सीन आती है नीमोवैक्स के नाम से, तो वो भी 60 ईयर्स अबव के लोगों को वंस इन अ लाइफ जो है ना वो लगवानी होती है, तो वो वैक्सीन लगवा लें। तो उससे ये होता है कि इस इन्फेक्शन अगर अल्लाह ना करे ये हो जाता है उनको, तो वो बीमारी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं होगी और उसको हम टाइमली क्योर कर सकते हैं। तो वो अब हम जैसे देख रहे हैं कि कोविड के साथ साथ फिर एक डेंगी और मलेरिया के बहुत ज़्यादा केसेस आए, प्लस वायरल, जैसे हमने कराची में देखा कि कराची की एयरबॉर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, उसमें वायरल इन्फेक्शन भी हैं, मलेरिया भी हैं, डेंगी भी हैं, चेस्ट इन्फेक्शन भी, कोविड भी, तो अब इतनी लंबी लिस्ट तो आ गई है इन्फेक्शंस की कि अब हमें और पहले से भी ज़्यादा एहतियात करनी है। सफाई सुथराई के साथ साथ हमें ये नज़ला बुखार को बिल्कुल आम नहीं लेना, अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो वो आइसोलेट करें और ज़रूर डॉक्टर से कांटेक्ट करें। होम रेमिडीज़ या होम मेडिकेशन के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि लोगों ने कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस घरों में रख ली हैं, और जब भी किसी को वो बीमारी होती है तो वो पूरी फैमिली इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, तो डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करें और जिनके अपॉइंटमेंट प्रायरली अरेंज हैं वो बिल्कुल मिस ना करें। सही। अच्छा डॉक्टर सना, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका अच्छा कौन से डॉक्टर के साथ रहा? ओवरऑल हमारा सबके साथ ही बहुत अच्छा रहा, हमारी ऐप में माशाल्लाह रेनाउंड कंसल्टेंट हैं जो कि ऑनलाइन हमारी ऐप पे अवेलेबल थे, उस पर मैं सबसे ज़्यादा हमारे डॉक्टर यासिर चिश्ती थे जिन्होंने ऑनलाइन हमारे मोर देन 100 पेशेंट्स को ऑनलाइन ट्रीट किया, बल्कि 100 से भी ज़्यादा, मुझे काउंटिंग याद नहीं है, तो ऐप के थ्रू उन्होंने ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन भी दी, लोगों को ट्रीट किया, और वो खुद इस्लामाबाद में होते हैं लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स को ऑनलाइन ट्रीट किया। अच्छा। अच्छा डॉक्टर सना, ये जो कोविड पे काफ़ी लोगों के जो हैं अपॉइंटमेंट्स वगैरह मिस हुए, तो आपने किस तरह से इसको मैनेज किया आप लोगों ने? बिल्कुल, कोविड की वजह से क्योंकि जाहिर है सब लोग बहुत डरे हुए थे कि हॉस्पिटल जाके हम कोई और बीमारी का शिकार ना हो जाएं, तो उन लोगों को हमने बिल्कुल यही कहा कि वो लोग अगर हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते तो वो ऐप के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट्स ले लें, अपने अपॉइंटमेंट्स करें ताकि उनके फॉलोअप मिस ना हो। सही। या कोई अगर 6 मंथली या 4 मंथली उनके ब्लड टेस्ट अगर ड्यू थे तो वो उनको घर बैठे हमने करवाए। अच्छा। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे की फैसिलिटी भी हमने उनको घर पे प्रोवाइड की ताकि अच्छा। वो प्रॉपरली मैनेज हो ना उनकी चीज़ें मिस। सही। इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स या जिनको बायपैप सीपैप लगना होता था उनको भी हमने घरों पे वो फैसिलिटी
मुहैया की। अच्छा, मतलब काफी, मतलब आप कह रही टेस्ट वगैरह और ये एक्सरे सब चीजें आपने घर पे प्रोवाइड की। बिल्कुल, एम्बुलेंस से लेके, एम्बुलेंस अगर किसी को चाहिए पूरे पाकिस्तान में तो वो एम्बुलेंस जस्ट वन क्लिक पे आप रिक्वेस्ट दें कि कहाँ से आपको पेशेंट पिक करना है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। लाइक अगर पेशेंट जो है ऑक्सीजन के साथ है तो हमारे पास ऐसी एम्बुलेंस मौजूद हैं जो कि वेल इक्विप्ड हैं, उसमें ऑक्सीजन की फैसिलिटी मौजूद है। अच्छा। अगर वो कहते हैं उन्हें एक वेल ट्रेन नर्स चाहिए तो वो नर्स मौजूद होता है। अगर रिक्वायरमेंट होती है कि उनको एक हेल्पर चाहिए या अटेंडेंट चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो वो एम्बुलेंस की फैसिलिटी कराची में पेशेंट शिफ्ट करने से लेके पूरे कराची के किसी भी हिस्से में अगर वो अपना पेशेंट मूव करवाना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी मौजूद है। अच्छा, ये मशीन वगैरह जो है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, तो ये किस तरीके से आपने किया? बिल्कुल, इसमें भी हमने पल्स ऑक्सीमीटर से लेके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, बायपैप, सीपैप मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन भी हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल, तो हमने ये तमाम फैसिलिटीज़ लोगों को घरों पे मुहैया की। बायपैप अगर किसी पेशेंट को लगना था तो वो उसके साथ वेल ट्रेन जो स्टाफ होता है जो कि उसकी पूरी हैंडलिंग जानता है उसको भी हमने घर पे 12-12 घंटे या 24 घंटे के लिए असाइन किया। सही, गुड। मतलब पूरा एक हॉस्पिटल का जो है वो आप घर पर एक को करती है। बिल्कुल, ताकि लोग अब परेशान ना हो और ये ना सोचें कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो अब हेल्थ सॉल्यूशन ऐप मौजूद है जिसमें कि बहुत आसानी से, अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते तो उसमें एक कॉलर डॉक्टर या हमारी ऐप का एक नंबर मौजूद है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं और वहाँ से हम आपको बिल्कुल गाइड करते हैं कि किस तरह से आपको जो सर्विस चाहिए वो हम घर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सना। और आप लोगों ने देखा कि आज हमारे साथ डॉक्टर सना थी और हेल्थ सॉल्यूशंस का प्रोग्राम जो है आप लोग देखते रहते हैं और डॉक्टर को हमने आज इसलिए बुलाया कि जो आपको नहीं पता, जो मालूमात नहीं है वो आज आपको हो जाए सब मालूमात। और आपको जो है लिंक शेयर किया जा रहा है, आप जिसने डाउनलोड नहीं की हुई ऐप ये डाउनलोड कीजिए और इस ऐप से फ़ायदा उठाइए। अब इजाज़त दीजिए जिदा खान को, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी किसी नए और अच्छे के साथ। अल्लाह हाफिज़।